हेलो एवरीवन, आज है 9 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। देखिए, सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट से सेक्टर से जुड़ी हुई ये कंपनी है और 200 रुपए से भी कम प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल है। काफी बढ़िया और तगड़ी कंपनी ये मानी जाती है। शेयर में एक गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईटीसी लिमिटेड के शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 196 रुपीज के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में शेयर जहां था वहीं पर है। लेकिन हाँ, इस बीच 200 रुपए का हाई है और 192 रुपीज तक का लो भी देखने को मिला है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 22% की गिरावट देखने को मिली है। 265 रुपए का हाई था और 150 रुपए से भी कम प्राइस पर शेयर पहुंच गया था। फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, और ऑलमोस्ट पिछले काफी वक्त से ये शेयर 200 रुपए के प्राइस के रेंज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल की बात करें तो 3 साल में आईटीसी के शेयर में 30% की गिरावट है। 320 रुपए तक का हाई बना था और 150 रुपए तक का लो भी बना है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर हम देखें तो पिछले काफी वक्त से ये शेयर हमें 190 से 200 रुपए के लेवल के आसपास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 10 साल की बात करें तो 10 साल में आईटीसी का जो शेयर है उसमें 85% का ग्रोथ है। अब देखिए, 100 रुपए तक का लो था, बढ़िया रैली आई थी, लेकिन बाद में अगर हम 2018 से देखें तो 2018 से शेयर में एक डाउन ट्रेड शुरू हुआ है और जो अभी तक भी रुकने का नाम तक नहीं ले रहा है। लार्ज कैप स्टॉक है ये, 2,40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि एफआईएस के पास 14.60% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 9.45% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 21.68% की होल्डिंग देखने को मिली है, और तीनों ने थोड़ी थोड़ी होल्डिंग अपनी कम की है, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी होल्डिंग फंड मैनेजर्स के पास देखने को मिल रही है। 348 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अपना पैसा लगाया है, 229 एफआईएस भी यहां पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करें तो टोबेको मैन्युफैक्चर इंडिया लिमिटेड, जिनके पास 24.23% की होल्डिंग देखने को मिली है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.68% के आसपास है। देखिए, छोटा शेयर है, छोटा नहीं, काफी बड़ा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी काफी सस्ते प्राइस पर अवेलेबल है। और डिविडेंड देखिए, 1,015% का डिविडेंड, 200 रुपए से भी कम प्राइस पर ट्रेड करने वाला शेयर आपको 10 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है। 10 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे कर रहा है, 10 रुपए 15 पैसे का आपको यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है। और देखिए, आईटीसी अगर हम देखें तो सब लोग जानते हैं कि भले सेक्टर इनका सिगरेट और टोबैको का है, लेकिन उसके बावजूद ये कंपनी और भी कई सारे सेगमेंट में काम करती है, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे इनका होटल बिजनेसेस हो, या फिर और कई सारे टेक का भी इनका बिजनेस है। अब देखिए, एफएमसीजी, होटल, पेपर स्पेशलिटी, पैकेजिंग, एग्री बिजनेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो कई सारे बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे। और सारे बिजनेस का आप प्राइस देखोगे तो भैया 200 रुपए के आसपास अवेलेबल है। इनके अगर आप ब्रांड्स देखोगे तो एक से एक बड़ी बड़ी ब्रांड्स आपको देखने को मिलेगी। सिगरेट के अगर ब्रांड को हम छोड़ दें तो जो मेन एफएमसीजी और पर्सनल केयर के ब्रांड है, आपको यहाँ पर देखिए आशीर्वाद की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, जिसमें आपको आटा से लेकर नमक से लेकर घी तक आपको यहाँ पर मिल जाता है। सनफीस्ट अगेन बिस्किट, कुकीज एंड केक की एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है इनके। आप सनफीस्ट के आपको बिस्किट्स और कुकीज आपको हर शॉप्स में, हर सुपरमार्केट में आपको मिल जाएंगे, और काफी फेमस प्रोडक्ट बन चुकी है। बिंगो चिप्स धीरे धीरे काफी फेमस होती जा रही है, और रणवीर सिंह को आपने देखा होगा इसको एंडोर्स करते हुए, और काफी हर जगह अब इनका मार्केट पहुंच चुका है। चाहे रूरल इंडिया की बात करें या फिर कहीं साइड भी अगर हम बात करें, पूरे इंडिया में एक बहुत बड़ी क्वांटिटी से बिंगो की जो चिप्स है वो बिकना शुरू हो चुकी है। सनफिश, यिप्पी नूडल्स की भी अगर हम बात करें तो इनके नूडल्स और पास्ता काफी फेमस है, और आपको हर सुपर मार्केट में और हर छोटी मोटी दुकान में आपको वो मिल जाएंगे। बी नेचुरल धीरे धीरे इस पेंडेमिक के सिचुएशन में इनकी ये प्रोडक्ट जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। रीजन ये है कि अब लोग कोल्ड ड्रिंक के बदले जूस को पीना प्रीफर कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, और इवन एमवे के साथ मिलकर आईटीसी ने बी नेचुरल प्रोडक्ट को एक नए स्टेप पे लेके गए। ये लोग इम्यूनिटी बूस्टर जूस भी इन्होंने लॉन्च किया है, जो आपको एमवे की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाते हैं।
कैंडीमैन, गमोन, ये सब तो ऑलरेडी काफी छोटी सही लेकिन एटलीस्ट एक रेवेन्यू जनरेट प्रोडक्ट तो है ही। फेवरेट की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ी लग्जूरियस चॉकलेट है जो आपको हर बड़े सुपरमार्केट में देखने को मिल जाती है यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम देखें फार्मलैंड, फियामा डिविल्स, ड्रीम फ्लाव, फियामा विवेल, एंगेज, सुपीरिया, कई सारी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगी। नीम वॉश, अभी ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा चल रही है। जैसे अवेजी वॉश की अगर हम बात करें तो इस पेंडेमिक की सिचुएशन में हर कोई अपने घर पर जो भी सामान लेकर आते हैं, मतलब जो जो भी वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं, तो उसको वॉश करते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पर रह ना जाए और कोई भी वायरस इनमें संक्रमित ना हो पाए। तो काफी बड़े प्रोडक्ट धीरे धीरे ये भी उभर कर निकल सामने आ रही है। सेवलॉन ने तो भैया झंडे गाड़े हैं, अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से सेवलॉन काफी ज्यादा और बेहतर प्रोडक्ट बनकर निकल कर सामने आई है। उसके अलावा अगर आप देखें क्लासमेट की नोटबुक से लेकर पेन से लेकर पेपर क्राफ्ट की भी नोटबुक पेन काफी ज्यादा फेमस है। मंगलदीप अगरबत्ती धूप फेमस है, होमलाइट्स की बात करें। उसके अलावा एक और चीज है जो यहाँ पर नहीं है और वो है कि डिसइनफेक्ट स्प्रे जो है सेवलॉन का, वो भी अगर हम देखें तो काफी बढ़िया ब्रांड के तौर पर उभर कर निकल कर सामने आया है। तो ये तो सिर्फ बात हुई पर्सनल केयर और एफएमसीजी की बात हुई। उसके अलावा जो इनका आईटी बिजनेस, एग्री बिजनेस और साथ साथ और भी कई सारी है वो अलग से है। और इनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है, अभी भी इनका जो बड़ा रेवेन्यू है वो इन सबसे नहीं निकलता है, ठीक है, अभी भी इन सबसे इनका बड़ा रेवेन्यू नहीं है। इनका जो सबसे बड़ा रेवेन्यू है वो अभी भी एक सिगरेट प्रोडक्ट से निकल कर आ रहा है। 75% तक का रेवेन्यू इनका सिगरेट प्रोडक्ट से है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना गियर स्विच किया है और एफएमसीजी में काफी बड़ा नाम कमाया है। और आने वाले दिनों में आपको एफएमसीजी सेक्टर से भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू निकलता हुआ देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आईटीसी के बारे में अगर हम बात करने जाए तो टेक्निकल रेटिंग इनके भी न्यूट्रल देखने को मिल रही है। पी 16.86 है जबकि इंडस्ट्री पी 15.91 है, बुक वैल्यू 52 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.77 है, ईपीएस 11.63 है और डिलीवरी तकरीबन 76 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और तो और इनके जून क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो भी अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं। आपको देखिए जून क्वार्टर जो वक्त था वो हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक का वक्त था, लॉकडाउन का वक्त था, और ऐसे सिचुएशन में जो इनका सबसे बड़ा रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है वो प्रोडक्ट सिगरेट और टोबैको प्रोडक्ट, उनकी सारी फैक्ट्रियाज बंद थी और इवन इनकी बिक्रियों पर भी रोक लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका इनको जरूर लगा था, लेकिन उस दौर में इनके जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है उसने मोर्चा संभाला था और काफी अच्छा प्रॉफिट कमाकर भी इन्होंने दिया था। 2,565 करोड़ के आसपास का इनको टोटल प्रॉफिट हुआ था जो काफी बेहतर था। इससे पहले 4,000 करोड़ के प्रॉफिट इनको कंपनी ने हर क्वार्टर में रिपोर्ट की है और ये बहुत अच्छी बात है। और जून में इनके 2,565 करोड़ का प्रॉफिट था। अब याद रखें जब नेक्स्ट क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे तो आपको इनका जो मुनाफा है वो और बढ़ता हुआ भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में इन्होंने दो बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च की है और वो आने वाले दिनों में इनको काफी अच्छा मुनाफा कमाते हुए देखने को भी मिल सकता है आपको। शेयर होल्डिंग के बारे में जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर ने, सॉरी एफआईएल्स ने थोड़ी सी होल्डिंग डिक्रीज की है, लेकिन अभी भी एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड के पास एक बहुत बड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है इनकी। ओवरऑल आईटीसी मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया कंपनी है ये, इनका जो बिजनेस है वो मुझे काफी अच्छा लगता है और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो आईटीसी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया डिविडेंड पे करने वाला ये शेयर है, 200 रुपए के आसपास का शेयर है और 10 रुपए से भी ज्यादा का आपको डिविडेंड पे करता है ये शेयर। तो काफी अच्छे फंडामेंटल्स भी इसके काफी बेटर है, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी बेटर है, कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पे करता है, तो इसलिए आईटी से मुझे काफी अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में और अच्छे पोजिशन के ऊपर आपको ट्रेड करना देखने को मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म में मेरा टारगेट यहाँ पर 250 रुपए के आसपास का है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वो टारगेट भी आपको हिट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो, डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।